हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही, जी हां फ्रेंड्स, आज ही वीडियो को पॉज करिए और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा इमीडिएटली आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। आज हमारे पास, हम आपको आज बताएंगे कि ओएफपी फाइल, ओप्पो एंड रियल मी, जो ओप्पो एंड रियल मी का जो फ्लैश फाइल आता है, जो कि ओएफपी फाइल आता है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे विदाउट एनी डोंगल, विदाउट एनी टूल, या आप फ्री ऑफ कॉस्टली इसको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो मीडियाटेक का हो, चाहे वो क्वालकॉम का हो, आप कोई भी फोन रियलमी का हो या ओप्पो का हो जाए, इसमें आप ओएफपी फाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा प्रोसेस, कहाँ से हमें वो फाइल डाउनलोड करना है, कैसे करना है, ये सारे चीजें मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप जरा अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे सिंपली गूगल ओपन कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ MCT एक्सट्रैक्टर बाय ऑफिशियल रोम्स, ये वाले वेबसाइट से हम इसका डाउनलोड करेंगे बाय officialroms.com से। तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे देखेंगे हम, आपको यहाँ पे इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा, यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे साइज बता रहा है 12 MB, 12 MB का बता रहा है, और साथ ही साथ इसको पासवर्ड भी आपको यहाँ पे लिंक में दे दिया कि ये आपको पासवर्ड डालना है। अगर आपके फाइल को अगर पासवर्ड होगा तो आप यहाँ पे ये फाइल को पासवर्ड डाल के आप कर भी सकते। तो मैं यहाँ पे लिंक देखो, यहाँ पे आपको यूजर अपलोड में लिंक बता रहा है, एक मीडिया फायर सर्वर, एक बार यहाँ मीडिया फायर सर्वर में जाके देखेंगे हम, और यहाँ पे टाइम लग रहा है एक 20 सेकेंड का, तो आप यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद आपकी यहाँ पे लिंक जनरेट हो जाएगी। ओएफपी फाइल यहाँ पे लिख के भी है, ओएफपी फाइल एक्सट्रैक्टर फॉर रियलमी एंड ओप्पो के लिए ये आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिंक आ गई है, और मैं यहाँ पे लिंक ओपन करने के बाद मीडिया फायर का लिंक आ गया, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ डाउनलोड, एंड यहाँ पे सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा सा, चलो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं ये लिंक को, और यहाँ पे हमारा डाउनलोड यहाँ पे जिप में आ गया है, जो कि हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे 7-zip से, एक्सट्रैक्ट यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बता रहा है कि इसमें पासवर्ड डालना है, तो आपको पासवर्ड मैंने आपको बताया था कि ऑफिशियल रूम्स में आपको यहाँ पे भी वो पासवर्ड मिल जाएगा। आप यहाँ से ये नाम की कॉपी आप कर लेंगे तो भी ये पासवर्ड आपका बन जाएगा, तो आप यहाँ से इतना भी कॉपी कर लो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैं ये नाम यहाँ पे डाल के इसको मैं ओके कर लेता हूँ, तो ये मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा MCT एक्सट्रैक्टर बाय ऑफिशियल, मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, और यहाँ पे MCT का यहाँ पे टूल, यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, डायरेक्टली ये मेरा टूल है जो कि डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशंस वाला फाइल है। ठीक है, यहाँ पे मेरा ओएफपी फाइल बता रहा है आपको, MCT ओएफपी एक्सट्रैक्टर ओप्पो रियलमी फ्री एडिशन बाय MCT डोंगल। ये एक MCT डोंगल का टूल था जो कि ये पेड था पहले, लेकिन अभी ये क्रैक हो गया है, जो कि अभी ये बिना डोंगल का वर्क कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये टूल ओपन हो जाएगा। पहले ये MCT में चल रहा था, लेकिन अभी हमें एक्सट्रैक्ट, हमें इसे क्रैक में चला सकते हैं, कोई क्रैक करना भी नहीं है, सिर्फ डाउनलोड करना है, ओपन करना है। तो अब यहाँ पे हमें एक फाइल एक्सट्रैक्ट करके आपको लाइव बताएंगे, जैसे कि एक A3S ओप्पो का फोन होता है, यहाँ पे मेरी फाइल होती है फ्लैश फाइल, तो ये मेरा क्वालकॉम का फोन है, इसमें रो प्रोग्राम फाइल मिलना चाहिए, तो इसकी जगह पे मुझे ओएफपी फाइल मिलता है, और मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो यहां पे मैं ये फाइल को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं, तो
यहाँ पे बता रहा है कि OFP फाइल इसके अंदर अवेलेबल है, यहाँ पे बता रहा है, लिख के आ रहा है, जब ये OFP फाइल आएगा मैं ये फाइल को वो टूल के अंदर लोड करके वहां पे एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने लाइव बताऊंगा कैसे हमें कोई भी आप OFP फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली। कोई पेड नहीं है, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। ओनली आपको फाइल टूल डाउनलोड करना है 12 MB का, उसको एक्सट्रैक्ट करना है पासवर्ड से, उसके बाद टूल ओपन करके फाइल लोड करना है और आपको लोकेशन देना है कि कहाँ पे सेव करना है। आप बस इतना ही प्रोसेस करके एक फाइल को एक्सट्रैक्ट करके आप कर सकते हैं इजीली। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे एक्सट्रैक्ट, ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। फाइल को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे फाइल को एक्सट्रैक्ट होने तक। उसके बाद हम टूल को ओपन करके बताएंगे और एक्सट्रैक्ट करके बता देंगे कि कैसे हमें ये फाइल को लोड करना है और एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप कोई भी ओप्पो हो या रियलमी का हो, जो भी आपका मीडियाटेक या क्वालकॉम हो जाए, तो आप सब इसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई डोंगल की जरूरत नहीं है, कोई बॉक्स की जरूरत नहीं है, आप फ्री में इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली। इसमें कोई लेने की आपको जरूरत नहीं है कि डोंगल लेना है, या डोंगल से भी आप इजीली कर सकते हैं अगर आपके पास UMT डोंगल है या UFI बॉक्स है या जो भी आपके पास होगा, इससे भी आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन आपके पास कभी ये चीजें नहीं हो, फिर भी आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि कैसे आप लोग ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्री में। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी ये पूरा एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसको ओपन करेंगे टूल को और फाइल को लोड करके आपको लाइव यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके बताऊंगा। तो आपको इजीली मेथड बता देते हैं हम सारे प्रोसेस में, कैसे आपको काम करना है कैसे नहीं। तो ये सारे इजी चीजें आपको मिल जाते हैं हमारे तरफ से। तो ये सारी चीजें हम हर बार आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे, हर बार क्या क्या आपको करना है इजीली वर्क में, और साथ ही साथ कुछ नए टूल्स के साथ लेके आएंगे हम, आपको बताएंगे लाइव यहाँ पे। तो हमारे साथ हमेशा बने रहना, हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कि आपके साथ साथ किसी और को भी ये सारी चीज़ें मालूम हो जाए। और हमेशा हम आपके साथ रहते हैं कि ये सारी चीज़ें सपोर्ट करने में, सारी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रह गया हमारा फाइल एक्स्ट्रा के लिए, तो चलो हम यहाँ पे टूल को ओपन कर लेते हैं हमारा, जैसे कि यहाँ पे MCTOFP एक्सट्रैक्टर टूल है, इसको हम फिर से ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे टूल ओपन हो गया है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, ना कोई इसको पैसा लगेगा, ना कोई 1 ईयर एक्टिवेशन, कोई कुछ नहीं है, ये सीधा एक आपका फ्री टूल है। जैसे कि यहाँ पे लिखे है MCTOFP एक्सट्रैक्टर OFP रियलमी फ्री एडिशन बाय MCT डोंगल। ये एक MCT का डोंगल होता है, आपका फ्लैशिंग वाला डोंगल होता है, इसके साथ ये टूल वर्क कर रहा था। लेकिन अभी इसे ना डोंगल की जरूरत है, ना कोई चीज की जरूरत है, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सट्रैक्ट कर देगा, क्रैक वर्जन का टूल है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले करना है कि आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक फाइल लोड करने का और एक आपको कहाँ पे सेव करना है लोकेशन, वो दो ऑप्शन आपको सिर्फ मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लोड कर लेंगे यहाँ पे फाइल, तो हमारी एक्सट्रैक्ट करेंगे ओप्पो की थ्रीएस फाइल। मैं यहाँ ओप्पो में आ जाऊंगा, उसके बाद थ्रीएस में ये हमारी फाइल है, फ्लैश फाइल। तो यहाँ पे OFP फाइल आपको देख के है, यहाँ पे ये फाइल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखना, आप जैसे ही फाइल सिलेक्ट करते हैं आपको यहाँ पे सारे पार्टीशंस बता देता है फाइल में क्या हमें देखने मिलेगा। जैसे कि मुझे अगर पता ना हो कि ये मेरा क्वालकॉम है या मीडियाटेक है, तो आप यहाँ पे फाइल लोड करके भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे firewalls.mbn8953 का यहाँ पे मेरा फायर लोडर फाइल है, जो कि मेरा क्वालकॉम के फोनों में आता है। प्लस इसमें आपको रो प्रोग्राम एंड पैच जीरो फाइल देखने मिलेगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे रो प्रोग्राम एंड पैच जीरो का फाइल है। तो यहाँ पे आपको रो प्रोग्राम जीरो मिल गया, पैच जीरो भी मिल गया, तो ये मेरा क्वालकॉम का फोन हो गया। अगर मीडियाटेक होता तो ये आपका स्कैटर फाइल बताता,
तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि ये मेरा मीडियाटेक है या क्वालकॉम है। उसके बाद यहाँ पे फाइल लोड हो गया और यहाँ पे हम सेकेंड वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम सिंपली डेस्कटॉप पे हम फाइल को सेव करेंगे। यहाँ पे हमें करेंगे न्यू फोल्डर और करेंगे ओप्पो A3S का नाम दे देंगे यहाँ पे, सॉरी A3S फाइल्स इस तरीके का नाम यहाँ पे हम देके इसको यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका फाइल फोल्डर भी सेव हो गया। अब करेंगे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक, ओनली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सारे आपको वन बाय वन सारे यहाँ पे फाइल्स दिखेंगे आपको एक्सट्रैक्ट होते हुए। तो ये सारे आपको स्पेशली चीजें बता रहे हैं हम लोग कि कैसे आपको फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये आपको इजीली मेथड बता रहे हैं, ये सारे प्रोसेस आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रहा है, देखना मेरा सेटिंग सिस्टम का फाइल एक्सट्रैक्ट हो रहा है और कितनी फास्ट में और कितनी इजी में हो जा रहा है, फास्ट और इजी में हो रहा है। तो आप ये सारे प्रोसेस इजीली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप कभी भी ऐसे कोई भी मीडियाटेक का क्वालकॉम का हमारा रियलमी हो या ओप्पो का हो, हम इजीली यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में मिला है, कहाँ से फाइल डाउनलोड करना है, ये टूल कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको ये वीडियो में बता दिया, प्लस ही प्लस साथ में इसका आपको पासवर्ड भी मिल गया, साथ में इसका पासवर्ड भी जो ऑफिशियल रोम्स बोल के है ये पासवर्ड भी आपको मिल गया है, और साथ ही साथ में आपको टूल ओपन करके फाइल लोड करके एक्सट्रैक्ट भी करके बता दिया किस तरह ये हमारा फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। आप इजीली ये सब प्रोसेस कर सकते हैं। आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखने मिली है और आगे भी आपको नए वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हमारे चैनल को आप हमेशा फॉलो करना, हमारे वीडियो को लाइक्स करना, सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। तो इससे हम लोग आपको हमेशा डेली वीडियोस देते जाएंगे, आप लोगों को पता चलेगा कि हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे हमारी फाइल हो गई है पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट। अब हम इसे टूल को कर देंगे क्लोज, हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद हम करते हैं डेस्कटॉप पे आएंगे हम और यहाँ पे ओप्पो A3S फाइल का हमें यहाँ पे फोल्डर मिल गया। जैसे कि हमने यहाँ पे सारे फाइल्स देख लिए, सारे फाइल्स हमारे एक्सट्रैक्ट हो गई है पूरी, टोटल फाइल हमारी यहाँ पे सारी फाइल आ गई, रोपोग्राम 0 एंड पैच 0 की फाइल आ गई। तो हम यहाँ से इसको यूएफआई के या इजी जेटेक के थ्रू से हम इसे फ्लैश कर सकते हैं ऑफलाइन के अंदर। तो यहाँ पे साइज मेरा 6.52 GB का बन गया है। तो आप सारे फोल्डर फाइल ऐसे ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ठीक है।